करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गनाइजेशन डी स्टूडेंट्स मुझे इस मॉड्यूल में आपसे करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करनी है करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ये है कि हमें करिकुलम को किस तरह ऑर्गेनाइज करना चाहिए किस तरह तरतीब देना चाहिए सो ऑर्गेनाइजेशन इज़ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन रेफर्स द अरेंजमेंट एंड प्लानिंग ऑफ वेरियस कम्पोनेंट्स ऑफ करिकुलम तो डिफरेंट जो करिकुलम uh, के कम्पोन हैं उनको कैसे अरेंज करना है ये इसका मतलब अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में और अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट सो दैट इज़ डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट एंड रेलिवेंट फॉर यंग चिल्ड्रन तो जो ग्रेजुअली और डेवलपमेंटली मुनासब हैं जो अप्रोप्रिएट हैं और रेलिवेंट फॉर यंग चिल्ड्रन जो छोटे बच्चों के लिए रेलिवेंट हो अब उसमें देखें ये आपके सामने एक डायाग्राम है पार्ट सो लर्निंग एरियाज़ लर्निंग एरिया इसमें आप देखें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और सजेस्टेड लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं और ये मिला के आगे बन रहे हैं लर्निंग आउटकम्स ठीक है और इसके बाद वैकेबलरी बन रही है यानी इन सब को मिला कर आगे वैकेबलरी बन रही है तो मतलब ये है कि ये एक सिस्टमेटिक तरीके से इनको हम डेवलप कर रहे हैं और बना रहे हैं और इस तरह इस और तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करना द प्रोसेस इन्वॉल्वस इसमें प्रोसेस क्या है क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट दैट इज कंड्यूसिव टू लर्निंग तो वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो लर्निंग के लिहाज से बहुत मौजू हो सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटजीज मुनासिब स्ट्रेटजीज सेक्ट करना एंड डिजाइनिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट मीट द नीड्स ऑफ द ईच चाइल्ड और ऐसी स्ट्रेटजीज़ सेलेक्ट करना जो तो तमाम बच्चों के लिए मुफीद हों या ज़रूरी हों और दीज आर वेरियस अप्रोच टू तो करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन ये अप्रोच हैं करिकुलम को ऑर्गेनाइज करने के लिए इन ईसी और इंक्लूडिंग ऑफ द फॉलोइंग आप देखें करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन का है करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन में वो कैसे होगा हॉरीजेंटल होगा और वर्टिकल हॉरीजेंटल यानी ये एक साइड वाइज वाइज और वर्टिकल होता है यानी ऊपर से नीचे जैसे मतलब पहली जमात का आप करिकुलम है दूसरी से रेलिवेंट हो तीसरी इसी तरह वो सब्जेक्ट्स का भी आपस में रिलेशनशिप जो हॉरीजेंटल होगा वो सब्जेक्ट्स का रिलेशनशिप के हवाले से उसमें स्कोप क्या है फिर इंटीग्रेशन होनी चाहिए कंटिन्यूटी होनी चाहिए सीक्वेंस होना चाहिए ये जे मतलब ये उसके और की ऑर्गेनाइजेशन के जो कंपोनेंट्स हैं इंटीग्रेट करिकलम मरबूत दिस अप्रोच इंटीग्रेट्स डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज एंड प्रमोट्स इंटर लर्निंग अगर मैं आपको एक मिसाल दूँ जैसे सोशल स्टडी है तो सोशल स्टडी कोई एक सब्जेक्ट नहीं है सोशल स्टडी में नौ दस सब्जेक्ट हैं जिनको उनके रेलिवेंट टॉपिक्स को इंटीग्रेट करके मरबूत करके एक सब्जेक्ट बनाया गया है सो so, अब इसकी मिसाल क्या है अ लेसन ऑन प्लान अ गार्डनन मे इंक्लूड तो इसमें शामिल हम कर सकते हैं मैथ कॉन्सेप्ट सच एज़ मेयरिंग एंड काउंटिंग यानी इंटग्रेट हम कैसे करेंगे चीज़ों को तो मेयरिंग और कॉन्टिन्यंग को हम शामिल करेंगे काउंटिंग को और एज वेल एज साइंस कॉन्सेप्ट सच एज़ प्लांट ग्रोथ तो इसमें प्लांट ग्रोथ को तो यानी डिफरेंट सब्जेक्ट से ले कर रेलिवेंट टॉपिक्स को उनको मिलाना तो रियल वर्ल्ड इशूज़ में साइंस है सोशल स्टडीज़ है वर्ल्ड लैंग है और इस तरह मैथ है तो ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स को मिला कर आप इसको इंटीग्रेट कर रहे तो प्रोजेक्ट बेस करिकुलम ये जहन में रखें कि जो इस तरह का करिकुलम होगा वो प्रोजेक्ट बेस होगा दिस अप्रोच फोकस ऑन अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट दैट अलाउज़ चिल्ड्रन टू क्या करना इन्वेस्टिगेट एक्सप्लोर एंड डिस्कवर इन्वेस्टिगेट करें एक्सप्लोर करें डिस्कवर करें इंफॉमेशन ऑन अ टॉपिक किसी टॉपिक पर द प्रोजेक्ट इज़ ऑफन एन चाइल्ड हेड और ये अक्सर प्रोजेक्ट जो होता है बच्चों की बच्चे इसकी रहनुमाई करते हैं यानी बच्चों की तरफ से तैयार किया जाता है एंड इनक्रेज कोलेब्रेशन और इसमें बच्चे मिलकर एक दूसरे की लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कोलाब्रेशन से मुराद ये एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और मुख्त प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वो सीखते हैं इससे इमरजेंट करिकुल जो करिकुल उभर रहा है या नश्वो नमा पा रहा है तरक्की पा रहा है तो दिस करिकुलम इज़ बेस्ड ऑन चाइल्डस इंटरेस्ट एंड आइडियाज़ तो बच्चों की इंटरेस्ट और आइडियाज़ पर यह निसाब मुश्तमिल होगा एंड करिकुलम इवॉल्व एज द चिल्ड्रन इंटरेस्ट चेंज तो बच्चों की जो बदलती हुई इंटरेस्ट है उसके मुताबिक ये होगा और द टीचर एक्स एज अ फेसिलिटेटर इसमें टीचर का रोल जो है फेसीटेटर होगा वो सहूलतकार होगा एंड सपोर्ट द चिल्ड्रंस लर्निंग बच्चों की लर्निंग को सपोर्ट करेगा तो अब ये देखें इमर्जेंट करिकुलम में इसके डिफरेंट कंपोनेंट दिए हुए हैं बाय एलिजाबेथ जेम्स एंड जॉन नेमी तो अब ये देखें ये मुख्त यानी इसके करेक्ट्रिस्टिक्स को मिलाकर इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं उनको देख के उनको मिला कर चाइल्ड एडल्ट कम्यूनिटी है फिर और लाइट इन द डार्कनेस फिर फूड्स है फिर ईटिंग है कुकिंग है यानी ये मुखलिफ़ कंपोनेंट्स हैं जिनका लाइफ के साथ ताल्लुक़ है उन सबको मिला कर ऐसा करिकुलम बनाया जा रहा है ये ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें एक ही वक्त में हों तो कुछ कंपोनेंट्स को मिला कर उसकी तकसीम इस तरह यानी उनको कैटेगराइज किया जाए जो एक सेम तरह की एक्टिविटीज़ हैं इस तरह करके उसको जोड़ा जाता है थीमेटिक करिकुलम दिस अप्रोच ऑर्गेनाइज द करिकुलम अकॉर्डिंग टू थीम्स ये अप्रोच बच्चों को थीम्स के गिरद मतलब उसके थीम्स के लिहाज से करिकलम को ऑर्गेनाइज किया जाता है इसमें मुख्तफ एक्टिविटीज शामिल की जा सकती हैं जैसा कि रीडिंग बुक्स है आर्ट की एक्टिविटीज है या कुछ और इस तरह की जो रेलिवेंट एक्टिविटीज़ हैं गेम्स हो गई या कुछ और जिस डिफरेंट थीम्स पर उनको हम लेकर ऐसा करिकुलम बनाते हैं जैसे एक बर्थडे केक्स या बर्थडे पार्टीज़ है तो उसमें गिफ्ट्स और इस तरह की चीज़ें जो एक थीम के रेलिवेंट होंगी इस तरह उनको और गेम्स को बनाकर और डिफरेंट जो चीज़ें हैं तो इस तरह की थीम्स के मुताबिक उन एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा और इन एडिशन टू अप्रोच कैरिकुल ऑर्गेनाइजेशन इन अर्ली चाइल्डहुड इन्वॉल्व्स क्या क्रिएटिंग अ डेली शेड्यूल इसके लिए आप डेली शेड्यूल बनाकर उसके लिए वन बाय वन आप एक्टिविटीज़ को लें और उनको सेलेक्ट अप्रोप्रिएट मटीरियल्स एंड रिसोर्स मुनासब मटेरियल आप उसके लिए सिलेक्ट करें और डिज़ाइन असेसमेंट स्ट्रेटजीज असेसमेंट स्ट्रेटजीज भी उसके आपको बाकायदा कुछ स्टैंडर्ड या कोई क्राइटेरिया बनाना होगा एंड प्लानिंग फॉर पेरेंट इन्वॉलमेंट और बच पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना है यानी बच्चों को आ, के अकेले अपने आप वो कर नहीं सकते पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट फ्लैक्सीबल करिकुलम अडेप्टेबल करिकुलम जिसके में आप चेंज कर सकें टाइम के साथ बच्चों की नीड्स के मुताबिक अपने रिसोर्स के हिसाब से तो इस तरह ये है करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट मैथड्स पे मैंने आपसे बात की